नमस्कार, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका जादू आज भी उतना ही कायम है जितना कि पहले था। 10 अक्टूबर 1954 में जन्मी रेखा 10 अक्टूबर को 64 साल की हो जाएंगी। जब रेखा की बात हो और उनके साथ अमिताभ का नाम ना आए, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। आज भी जब किसी अवार्ड शो या समारोह में अमिताभ और रेखा साथ मौजूद होते हैं तो एक मोहब्बत का अनकहा सा सिलसिला महसूस किया जाता है। ये कहानी कहाँ शुरू हुई और कब शुरू हुई, इसके बारे में कह पाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने में अमिताभ और रेखा ने पहली बार साथ में काम किया था। अमिताभ तब तक एक स्टार बन चुके थे और फेमस एक्ट्रेस जया भादुड़ी से उनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे। यहीं से अमिताभ और रेखा के बीच अफेयर की खबरें आने लगी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस कहानी के चर्चे होने लगे। ये सब सुनकर जया के सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने एक दिन रेखा को फोन कर अपने घर डिनर पर बुला लिया। अमिताभ उस वक्त शहर से बाहर थे। रेखा पहले तो घबराई, लेकिन फिर जया से मिलने चली गई। कहा जाता है कि डिनर के दौरान रेखा से जया ने अमिताभ और उनके कथित अफेयर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जब रेखा लौटने लगी तो जया ने सिर्फ इतना कहा, कुछ भी हो जाए मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। पूरी दुनिया एक बार फिर तब चौंक गई जब निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने साल 1980 में यह ऐलान कर दिया कि उनकी अगली फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन लीड रोल में होंगे। यश चोपड़ा ने 11 अगस्त 2010 को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अमिताभ, जया और रेखा के बीच बेहद तनाव था। इसके बाद इस प्रेम कहानी के चर्चे थोड़े कम हुए, लेकिन साल 1983 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद जब अमिताभ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो रेखा खुद को रोक नहीं पाई और बच्चन साहब की एक झलक देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। जया ने उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया। रेखा को इस घटना से बेहद धक्का लगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सोचिए, मैं उस शख्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि इस शख्स पर क्या बीत रही है। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का यह एहसास नहीं मंजूर था। खबर स्टेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।